तो हम लोग कुलम्स लॉ के बारे में देख चुके थे, कुलम्स लॉ का कुछ प्रॉब्लम भी देख चुके थे। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि कुलम्स लॉ आपको केवल एक फार्मूला देता है, के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। उसके बाद इसमें केवल मैकेनिक्स अप्लाई करके सवाल बनाया जा सकता है। तो अभी हम लोग एक दो सवाल तो कर ही थे, आज और कुछ स्पेशल सवाल करते हैं जिसमें मैकेनिक्स का बहुत यूज है ना। तो देखो, बात करते हैं आज प्रॉब्लम से रिलेटेड टू इक्विलिब्रियम। लिखो, प्रॉब्लम से रिलेटेड टू इक्विलिब्रियम, प्रॉब्लम से रिलेटेड टू इक्विलिब्रियम, प्रॉब्लम से रिलेटेड टू इक्विलिब्रियम, रिलेटेड टू इक्विलिब्रियम। एक बार फिर से बात करते हैं अपन, इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है। ऐसा सिस्टम जिसमें समय के साथ कोई चेंज ना हो उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। आगे बात समझ में। अच्छा, अगर तुम मेरे को देख रहे हो ऐसे रेस्ट में, तो मेरे पे अभी कोई फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है? कौन सा फोर्स लग रहा है मेरे पे? ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्स ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा। क्या मैं मोशन कर रहा हूं या जैसा हूं वैसा ही हूं, रेस्ट में हूं? एक फोर्स अगर किसी बॉडी पे लगेगा तो वो रेस्ट रह सकता है क्या? अगर एक फोर्स लगेगा तो, अगर मैं रेस्ट में हूं, नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, मतलब ऊपर की तरफ सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लग रहा होगा, तभी मैं रेस्ट में हूं। वो कौन सा फोर्स है मेरे लिए? अभी नॉर्मल रिएक्शन, जो जमीन मेरे ऊपर लगा रहा है, लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है? इसका मतलब सर, बॉडी तभी कोई भी रेस्ट में रहेगा, या रेस्ट में नहीं बोलते, इक्विलिब्रियम में रहेगा, जब उस पे नेट फोर्स क्या हो? जीरो हो। नेट फोर्स क्या हो? तो अपने लिए अभी याद क्या रखना है बेटा, क्योंकि अपन पॉइंट चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? पॉइंट चार्ज के बारे में। तो पॉइंट चार्ज के लिए या पॉइंट मास के लिए अपन कह सकते हैं कि पार्टिकल इक्विलिब्रियम में तभी रहेगा जब उस पे क्या फोर्स? जीरो रहेगा। नेट फोर्स क्या जीरो रहेगा? नेट फोर्स। थोड़ा सा बेसिक पहले बात बताते फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैं किसी भी बॉडी के बारे में अगर बात करता हूं, कोई भी रिजिड बॉडी के बारे में, जरा मेरे को बताना मैं सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं, कि अगर किसी भी बॉडी पे नेट फोर्स जीरो है, इसका मतलब बॉडी इक्विलिब्रियम में है, ट्रू या फॉल्स? एक्स बॉडी पे नेट फोर्स कितना है? जीरो है, तो क्या बॉडी इक्विलिब्रियम में हमेशा रहेगा क्या? कैसे? बताए थे, आइए देखो। जैसे मान लेते हैं कि एक रॉड है या कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट है, अगर मैं इधर फोर्स लगा रहा हूँ F और इधर फोर्स लगा रहा हूँ F, देख नेट फोर्स जीरो है कि नहीं है? बिल्कुल, जितना उधर लग रहा है उतना इधर लग रहा है, कैंसिल हो गया, नेट फोर्स जीरो है। लेकिन इक्विलिब्रियम में रहेगा क्या? ये घूमने लग जाएगा, घूमेगा कि नहीं घूमेगा? घूमने लग जाएगा, तो इक्विलिब्रियम में नहीं है ये। तो इक्विलिब्रियम में होने के लिए केवल नेट फोर्स जीरो होना जरूरी नहीं है, बल्कि एक और चीज़ जीरो होना चाहिए। नहीं, इक्विलिब्रियम होने के लिए नेट फोर्स भी जीरो होना चाहिए और नेट टॉर्क भी जीरो होना चाहिए। ट्रांसलेशनल मोशन के लिए क्या चाहिए? फोर्स। रोटेशनल मोशन के लिए क्या चाहिए? टॉर्क। तो ये तो घूम रहा है ना बेटा, अगर मैं चाहता हूं कि ये ना घूमे, मतलब नेट टॉर्क क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। आगे बात समझ में। तो आज के बाद याद रखेंगे, फॉर इक्विलिब्रियम एफ नेट शुड बी जीरो एंड टॉर्क नेट शुड बी जीरो। आगे बात समझ में। चूंकि हम लोग यहाँ पे पॉइंट चार्ज के बारे में पढ़ रहे हैं, एकदम छोटे से पॉइंट के बारे में, तो वो पॉइंट का घूमने का कोई मतलब नहीं है। लगेगा तो एक ही पॉइंट पे लगेगा ना, अलग अलग पॉइंट पे लग रहा था तब नहीं ये घूम रहा था भाई। पॉइंट बॉडी है तो वो तो एक ही पॉइंट पे लग रहा है, तो वहां पे घूमने जैसा कोई बात नहीं हो रहा है। दैट मीन्स व्हाट, हम लोग वहां पे अगर इक्विलिब्रियम की बात करनी है तो कह सकते हैं कि नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, नेट टॉर्क जैसा कोई बात करने की आवश्यकता नहीं है। आ रही बात समझ में? तो अभी हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं प्रॉब्लम से रिलेटेड टू इक्विलिब्रियम, उसमें हम लोग हमेशा क्या देखना होगा बेटा, कि नेट फोर्स जीरो है कि नहीं जीरो है। अरे बात समझ में। अब इसमें बहुत सारे सवाल बनाए जा सकते हैं, जैसे एक दो सिंपल सिंपल सवाल करते हैं अपन, देखते जाओ। एकदम आसान सवाल से स्टार्ट करेंगे, आइए देखिए। अच्छा वेट, जैसे मान ले तुम्हारे पास दो पॉइंट चार्ज है यहाँ पे, एक यहाँ पे है और दूसरा यहाँ पे पॉइंट चार्ज, न्यू दो पॉइंट चार्ज। मैं मान लेता हूँ बेटा ये है तुम्हारा फोर कैपिटल क्यू और ये है कैपिटल क्यू, दोनों पॉजिटिव चार्ज है। कैसा चार्ज है बाबू? पॉजिटिव चार्ज है। मैं तुमसे ये बोल रहा हूँ कि बताओ एक तीसरे चार्ज को इस पूरी दुनिया में कहाँ रखा जाए कि इन दोनों के कारण उस पे नेट फोर्स जीरो हो। सवाल समझ में आ रहा है? एक कोई तीसरा चार्ज है,
क्या है बेटा, कोई भी एक तीसरा चार्ज है, आपसे बोला जा रहा है कि उस तीसरे चार्ज को मैं कहां रखूंगा कि उस पे नेट फोर्स क्या हो, जीरो हो। नेट फोर्स जीरो हो मतलब वो इक्विलिब्रियम में हो। तो मैं लैंग्वेज में क्वेश्चन लिखवा सकता हूँ, लिखो जरा, इसको लैंग्वेज में लिखना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पहला सवाल, फाइंड मैग्नीट्यूड कॉमा नेचर एंड पोजिशन ऑफ थर्ड चार्ज्ड पार्टिकल so that it remains in equilibrium for the given system. आइए बात करते हैं अपन धीरे धीरे, आराम आराम से समझते हैं, बगाना नहीं है। ये दो चार्ज दिखाई दे रहा है भाई, मैंने क्या बोला कि तीसरा चार्ज को का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, उसका नेचर क्या होना चाहिए, नेचर मतलब रे पॉजिटिव या नेगेटिव, और उसको कहाँ रखा जाए, पोजीशन क्या हो कि उसमें नेट फोर्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ठीक, देख आजा, मान लेते हैं बाबू कि थर्ड चार्ज को हम, या चल देख मान लेते हैं यहां पे रखते हैं, कोई भी थर्ड, कहीं पूरी दुनिया में कहीं भी रख सकते हैं ना, हम मान लेते हैं यहां रख रही है, कोई भी तीसरा चार्ज, कोई भी तीसरा, न्यू क्यों बताना, ये चार्ज और ये चार्ज इसके साथ क्या करेगा, अगर ये तीसरा चार्ज पॉजिटिव होता तो वे रिपेल करता तो कैसा, न्यू ऐसा फोर्स लगाता, ऐसे जाता बाबू, और एक ऐसे, इन दोनों का रिजल्टेंट जीरो हो सकता है क्या कभी, दोनों एक एंगल पे लग रहा है तो कभी जीरो हो सकता है। देख अगर, अच्छा जो भी थर्ड चार्ज लाओगे उस पर कितना फोर्स लगने वाला है, दो फोर्स लगने वाला है, एक इसके कारण और एक इसके कारण। अगर किसी भी पार्टिकल पे दो फोर्स लग रहा है और मैं चाहता हूँ कि वो इक्विलिब्रियम में रहे, तो ये पक्की बात है सर कि दोनों फोर्स का डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अगर मैं रेस्ट में हूँ तो एक लड़का मेरे को इधर से खींचे, एक इधर से खींचे, अपोजिट डायरेक्शन में खींचे, और दोनों का सेम मैग्नीट्यूड हो, तभी मैं रेस्ट में रहूंगा, रहूंगा कि नहीं। तो सिंपल सी बात है सर कि यहाँ पे दो फोर्स लग रहा है, तो पक्की बात है कि सर आप ऐसे जगह रखो ना कि दोनों का फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, पहली बात है कि नहीं है, कैसे रहे अपोजिट डायरेक्शन में। और अगला पॉइंट क्या होना चाहिए कि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो सर आप देखो यहाँ पे रख दो, यहाँ पे रख दो, यहाँ पे रख दो, यहाँ पे रख दो, यहाँ 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 पूरी दुनिया में कहीं रख दो सर, फोर्स में एक एंगल बन जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में नहीं होगा, तो वहां तो इक्विलिब्रियम में रहना पॉसिबल नहीं है। क्या ये बात समझ में आया? अब कहाँ रखे, तो ध्यान रखते हैं ना इस लाइन पे रखने की कोशिश करते हैं, इस लाइन पे रखेंगे तो देख फोर्स तो हमेशा एक ही लाइन पे लगेगा, लगेगा कि नहीं, तो इधर तो नहीं रख सकते सर। चल यहाँ चेक करते हैं भाई रखने की, रख दिए, बता ये अगर हम लोग थर्ड चार्ज को कैसा मान के चल रहे हैं अभी, पॉजिटिव, कैसा मान के चल रहे हैं पॉजिटिव। चल बता बेटा अगर यहाँ पे थर्ड चार्ज को मैं रख दिया तो ये क्या करेगा, न्यू, और वो भी अभी भी इक्विलिब्रियम होना पॉसिबल है, एक ही डायरेक्शन लग जा रहा है, मूव कर जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी रखेंगे थर्ड चार्ज को तो इधर रिपेल कर दिया, इधर कर दिया, यहाँ भी इक्विलिब्रियम पॉसिबल, तो पूरी दुनिया की बात हो गई थी इस लाइन पे, इधर की बात हो गई, इधर की बात हो गई, बचा कौन सा रीजन तेरे लिए, इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं यही रीजन बचा ना, बाकी सारा रीजन तो देख लिया अपन। अब इन दोनों के बीच में कहीं पे रख के देख यार, मान लेते बेटा अपन यहां पे रख देते हैं, चल बता ये वाला क्या करेगा, रिपेल करेगा इधर यूं, और ये वाला क्या करेगा, इधर रिपेल करेगा, क्या बात है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में दिखाई दे रहा है, इक्विलिब्रियम में पॉसिबल हो सकता है कि नहीं, हो सकता है पॉसिबल, कब होगा, जब दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो जाए, बराबर हो जाए। बात समझ में आ रही है, कोई तकलीफ है, आइए करते हैं अब सवाल को। चल बेटा यहीं पे सब कुछ लिखते चलेंगे अपन, बता ये जो चार्ज था इस पे फोर्स इधर लगा रहा था ना कितने मैग्नीट्यूड से, अच्छा एक और बात, ये डेटा थोड़ा लिख देते हैं पूरा, ये जो दो चार्ज था ना दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना था, एल था, तो ये जो रख रहे हैं मेरे को ये भी तो पता चलना चाहिए ना कि सर कहाँ रख रहे हैं, तो अभी तो मेरे को पता नहीं है बेटा कहाँ रखे हैं, कहीं भी बीच में रख सकते हैं। तो मैं मान लेता हूँ कि मैं कैपिटल क्यू से एक्स दूरी पे रखा हूँ, कितने पे रखा हूँ, एक्स दूरी पे। चल अब बताना, इसको ऊपर बनाते हैं थोड़ा सा, अब चलो फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखो, तो बाबू बता ये कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू को इधर धक्का दे रहा था ना, कितने फोर्स है बोल, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, वेरी गुड, समझ में आया आराम,
इतना दूरी है दोनों में एक्स स्क्वायर। अब ये वाला इस इधर था क्या धक्का दे रहा होगा, बोल के हाँ सही है। ये इक्विलिब्रियम में तभी रहेगा सर जब दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो जाए, यहीं पे कर दे ले ठीक। कट छटेगा क्या कुछ देख दो, कुछ कैंसिल आउट होगा, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या देख, वन बाई एक्स स्क्वायर बराबर फोर बाई एल माइनस एक्स का दोनों साइड रूट ले ले बेटा, वन बाई एक्स टू बाई एल माइनस एक्स देख दो, यहाँ से एक्स सॉल्व हो जाएगा क्या देख, आ गया एक्स कितना दिखाई दे रहा है आ गया। तो क्या थर्ड पार्टिकल का पोजीशन मुझे पता चल गया ना, कितने दूरी पर रहना चाहिए, एल बाई थ्री किससे, कैपिटल क्यू से, किससे बाबू कैपिटल क्यू से। तो पोजीशन थर्ड चार्ज का पता चल गया। चल क्या क्या पूछे थे हम, पोजीशन बताओ, नेचर बताओ, मैग्नीट्यूड बताओ, तो पोजीशन का ज्ञान हो गया। अभी बात करते हैं नेचर का, पॉजिटिव होना चाहिए कि नेगेटिव होना चाहिए, चेक करते हैं। अच्छा पॉजिटिव था तो पूरी दुनिया में तो नेट फोर जीरो नहीं हो रहा था, इन्हीं दोनों के बीच में जीरो हो रहा था। अच्छा नेगेटिव होता तो क्या अंतर आता, अगर यहाँ अपने पे नेगेटिव रखते तो ये इधर खींचता ये इधर खींचता, अभी भी नेट फोर जीरो होता क्या, नहीं होता। यहाँ पे नेगेटिव रख देते तो बेटा ये इधर खींचता ये भी इधर खींचता, अभी भी इक्विलिब्रियम में होना पॉसिबल नहीं था, यहाँ भी पॉसिबल नहीं था, तो कहीं ना कहीं बीच में ही रखना था। यहाँ पे क्या अंतर आ जाता, जैसे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रखते ना, अभी ये वाला चार्ज अपनी तरफ खींचता ये अपनी तरफ खींचता, तो सिचुएशन तो वही रहता, मैग्नीट्यूड्स तो दोनों का वही रहता, क्योंकि जब हम कूलम्स लॉ में के क्यून क्यू टू बाई आर स्क्वायर रखते हैं तो वहां पे क्यून क्यू टू को साइन के साथ रखते हैं क्या, मैग्नीट्यूड रखते तो साइन से कोई लेना देना है क्या, कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब सर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखते तभी इसी पोजिशन पे इक्विलिब्रियम आता, और नेगेटिव भी रखते तो भी इसी पोजिशन पे इक्विलिब्रियम आता, आता कि नहीं आता। तो इसका मतलब आंसर में नेचर में क्या लिखेंगे, एनी, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव, क्या बात समझ में आ रही है। तीसरा क्या बचिया बोल, मैग्नीट्यूड, क्या बचिया मैग्नीट्यूड, जरा चेक कर तो बेटा यहाँ पे जो हम लोग इक्विलिब्रियम का सिचुएशन लगाए हैं वहाँ पे ये थर्ड चार्ज का मैग्नीट्यूड अपन क्यू मान के चले, इतना स्मॉल क्यू देख, तो यहाँ तो कट तो गया था ये दोनों, अरे यहाँ पे एक कूलम रखते तभी कटता, दो कूलम रखते तभी कटता, तीन कूलम रखते तभी कटता, मतलब ये पोजिशन डज नॉट डिपेंड अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड चार्ज, डिपेंड कर रहा है क्या थर्ड चार्ज के मैग्नीट्यूड पे, डिपेंड नहीं कर रहा। मतलब सर यहाँ पे थर्ड चार्ज का मैग्नीट्यूड कुछ भी रहता ना तो नेट फॉर जीरो ही रहता, रहता कि नहीं रहता। इसका मतलब मैग्नीट्यूड भी कुछ भी पॉसिबल है, नेचर कुछ भी पॉसिबल है, बस पोजीशन ये होना चाहिए, क्या बात समझ में आ रही है। तो फाइनल आंसर अपन कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखना, फाइनल आंसर ऐसे लिखेंगे बेटा इस सवाल का, मैग्नीट्यूड कुछ भी पॉसिबल है सर, एनी एनी मैग्नीट्यूड, कोई कितने कूलम का भी रखते तो यहाँ कट के कैंसिल आउट ही हो जाता ठीक। नेचर कैसा होना चाहिए, अगेन पॉजिटिव या नेगेटिव, मतलब एनी लिख सकते हैं। पोजीशन क्या होना चाहिए बोल, एल बाई थ्री किससे, स्मॉल कैपिटल क्यू ना, कैपिटल क्यू से, और कैपिटल क्यू से एल बाई थ्री दूरी होना चाहिए, लेकिन किधर है बेटा, इधर की इधर, इन बिटवीन द चार्जेज, इन बिटवीन द, दिख रहा है चार्ज के दोनों के बीच में, इन बिटवीन द चार्जेज, क्या बात समझ में आ रही है, कोई तकलीफ है, एससी वर्मा का सवाल है, बहुत इंटरेस्टिंग है इसलिए बता रहे हैं। चल एक और चीज में कुछ अपन डील करते हैं, ध्यान से देखना। ये तो पक्की बात है सर कि देखो इन दोनों के बिल्कुल कहीं ना कहीं बीच में आया है, और सर देखो ये जो थर्ड चार्ज था वो स्मॉल क्यू से कितने दूरी पे था, एल बाई थ्री ना, बताना ये थर्ड चार्ज इससे ज्यादा करीब है कि इससे ज्यादा करीब है, सोच के बोल, देख के बोल, क्यू ना एल बाई थ्री, तो इससे कितना दूरी हो जाता, टू एल बाई थ्री कितना हो जाता, तो किससे करीब है, कैपिटल क्यू के करीब है। कैपिटल क्यू ना याद रखे, अपन कैसे याद रखेंगे कि छोटे वाले के करीब है, देख कौन छोटा वाला है, कैपिटल क्यू। तो अपने को कैसे याद रखना है कि इस पर्टिकुलर सवाल में सर जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो चार्ज के बीच में है कहीं ना कहीं, और कहां पे है तो छोटे वाले चार्ज के करीब है, छोटे वाले चार्ज के, छोटे वाले का मतलब जिसका मैग्नीट्यूड कम हो, आ रही है बात समझ में, क्या इतना याद रहेगा, कोई तकलीफ नहीं है। इस पर भी बहुत सारा सवाल प्रैक्टिस कराएंगे और फाइनली एक लाइन लिखवाएंगे जो अच्छे अच्छे सवालों में बहुत मदद करेगा आपको, राइट इट डाउन, कहीं भी किसी को कोई तकलीफ हो कोई भी डाउट हो तुरंत पूछना, एकदम डाउट में नहीं रहना प्लीज।
विकास अभी तक नहीं आया है क्या? अच्छा, पवन एक काम करो ना, ये जो वायर है ना वो बीच वाले में इसको खोल के इसमें अटका दो, तो हिलता है बहुत लगता है, खोलना जाए। हाँ दबा दिया, ठीक। हो गया, देखो यहाँ क्वेश्चन रिमेन सेम, सिचुएशन अलग है बस। दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड मैंने अलग ले लिया, नेचर अलग ले लिया, सवाल सेम है कि बताइए तीसरे चार्ज को कहाँ पे रखा जाए, कितना रखा जाए, किस नेचर का रखा जाए कि वो इक्विलिब्रियम में। समझ में आ रहा है? सवाल सेम है, बस इन दोनों चार्ज का वैल्यू हम सेम चेंज कर दिए। कर सकते हो क्या? करना खुद से नहीं है, डिस्कस करके करना है, ठीक। बताइए अगेन, डिस्कस करते हैं बेटा। बस अंतर क्या है, यहाँ दोनों पॉजिटिव में था, वहाँ दोनों नेगेटिव में था और मैग्नीट्यूड अलग अलग है। तो अगेन देख बेटा, क्या इधर इधर रख सकते हैं क्या? नहीं, कहीं और नहीं रखेंगे सर। इतनी तो बात समझ में आ गई इस सवाल से कि रखेंगे तो कभी भी इसी लाइन पर रखेंगे, रखेंगे कि नहीं, दोनों चार्ज को मिलाता हुआ जो लाइन है उसी पर रखेंगे। तो लाइन पे चेक करने के लिए कि यहाँ चेक करो एक बार, यहाँ चेक करो एक बार, अंदर चेक करो। अगर यहाँ पे थर्ड चार्ज को रखते हैं बेटा, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, थर्ड चार्ज को अगर हम यहाँ पे रखेंगे, अभी हम लोग केवल किसकी बात करेंगे ना, केवल पोजीशन की बात करेंगे, क्योंकि इतना तो पता चल गया कि सर मैग्नीट्यूड कट कट जाएगा हर बार, कटेगा नहीं इक्विलिब्रियम करोगे तो, और नेचर भी कुछ भी रह सकता है। तो केवल किसकी बात करेंगे अब? पोजीशन की। चल बता, अगर यहाँ पे हम थर्ड चार्ज को रखते बेटा, अगर ये पॉजिटिव होता तो ये क्या करता? अपनी तरफ खींचता, और वो क्या करता? अपनी तरफ अट्रैक्ट करता, तो इक्विलिब्रियम होता क्या? अभी भी हो नहीं पाता है ना। यहाँ पे रखते तब भी नहीं हो पाता, देख दोनों खींच लेता, वहाँ भी इक्विलिब्रियम पॉसिबल। तो पक्की बात है सर, कहीं ना कहीं बीच में रखेंगे। रख के देखते हैं, यहाँ पे रख ले बेटा। चल, ये क्या करेगा? और ये भी, दोनों का वैल्यू लिख देंगे तो काम चल जाएगा क्या? चल मान लेते हैं बेटा, इन दोनों के बीच का दूरी कितना है? x कितना है? चलिए बताइए फटाफट, अब बताओ ये वाला फोर्स कितना है? स्मॉल क्यू मान लो, हाँ लिख के स्मॉल क्यू इंटू फोर क्यू, मैग्नीट्यूड रखते हैं ना, बाई एक्स स्क्वायर बराबर, ये कितना से खींच रहा होगा बोल, के स्मॉल क्यू 16 क्यू बाई, क्या इसको सॉल्व करके आंसर लाया जा सकता है? के क्यू सब कट जाएगा तो देख क्या दिखाई दे रहा है, 4 बाई एक्स स्क्वायर बराबर 16 बाई एल माइनस एक्स का स्क्वायर। क्या कर लेंगे बेटा अब? रूट ले लेंगे एल माइनस एक्स, अरे ये भी तो कट ही जा रहा ना दो बार में। चल सॉल्व कर, तो एल माइनस एक्स बराबर 2x, क्या बात है आंसर सेम आ रहा है, x बराबर l बाई आ रहा है क्या, x बराबर l बाई 3, कोई तकलीफ? चल इन दोनों सवाल को ध्यान से देख सर, यहाँ देखो जब दोनों चार्ज मैग्नीट्यूड पॉजिटिव था ना, दोनों कैसा था तभी इक्विलिब्रियम पॉइंट इन दोनों के कहीं ना कहीं बीच में आ रहा था। दोनों का मैग्नीट्यूड अगर नेगेटिव था सर, तभी कहीं ना कहीं बीच में आ रहा था। तो यहाँ से अपन एक लाइन याद रखेंगे कि सर ये जो दो फिक्स चार्ज रखे हो ना क्वेश्चन में, अगर दोनों का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव रहा तभी बीच में, दोनों का नेचर अगर नेगेटिव रहा तभी बीच में इक्विलिब्रियम पॉइंट। इसका मतलब कैसे बोल सकते हैं कि अगर दोनों फिक्स चार्ज का नेचर सेम रहेगा तो इक्विलिब्रियम पॉइंट कहीं ना कहीं बीच में आना चाहिए। कहाँ आना चाहिए?
याद रहेगा, अगर दोनों फिक्स चार्ज का क्या सेम रहेगा बेटा, नेचर सेम रहेगा, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट उन दोनों के बीच में आना चाहिए, कहीं ना कहीं, एकदम मिडिल पे नहीं पर कहीं ना कहीं बीच में आना चाहिए। किसके करीब आना चाहिए? छोटे वाले के करीब। अब कंप्लीट लाइन याद रखोगे एकदम पक्के तरीके से, ध्यान से सुनो, अगर दोनों फिक्स चार्ज का नेचर सेम रहा तो इक्विलिब्रियम पॉइंट कहीं ना कहीं बीच में होना चाहिए और छोटे वाले के करीब होना चाहिए, एकदम दिमाग में घुस जाना चाहिए, याद रहेगा फटाक से। देखना आंसर में दिखाई दे रहा है, हम लोग जबरदस्ती थोड़ी एस्टैब्लिश कर रहे हैं, कैलकुलेशन में दिख रहा है। और क्यों ऐसा होगा, थोड़ा सा एहसास करा दे, तुम पूछा है तो देख, जैसे इसी में देख बेटा, फोर्स का वैल्यू सेम रहना चाहिए ना। चल ध्यान से देखना, इन दोनों का मैग्नीट्यूड में कौन किसका ज़्यादा है? इसका ज़्यादा है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? एफ इक्वल्स टू के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। अरे तो एक ये जो क्यू, ये तो फिक्स हो गया, एक ये फिक्स ही रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है, तो क्यू ये वाला चार्ज और दूरी पे डिपेंड करता है ना बेटा। तो देख, इसका चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो इसका जो डिस्टेंस वो कम रखना पड़ेगा, और इसका मैग्नीट्यूड कम है तो इससे डिस्टेंस, इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है ना, कैसा है इसका मैग्नीट्यूड? ठीक, तो इस डिस्टेंस को कैसा रखना चाहिए? ज़्यादा रखना पड़ेगा। देख, क्यू वन आर वन स्क्वायर, क्यू टू बाई आर टू स्क्वायर, ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर ये वाला ज़्यादा है बेटा तो पक्की बात है सर, ये कैसा होना चाहिए? ये भी ज़्यादा होना चाहिए। अरे ज़्यादा बाई ज़्यादा करोगे तभी ना एक ही वैल्यू आएगा। जैसे मान ले हमको यहाँ भी चार आंसर लाना है, यहाँ भी चार लाना है, तो चल यहाँ पे मान ले 16 था ऊपर में, तो यहाँ पे अगर हम लोग लाते हैं चार, तब कट के कितना होगा? चार आंसर आएगा। अब मेरे को यहाँ भी चार ही लाना है, अगर हम इसका मैग्नीट्यूड कम रख दिए तो इसका भी मैग्नीट्यूड कम रखना होगा, तभी ना चार आंसर आएगा। तो इसका मैग्नीट्यूड अगर ज़्यादा है तो इसे थोड़ा दूर पे रखोगे, और जिसका मैग्नीट्यूड कम है उसके करीब रखोगे, तब ना इसका फोर्स थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ऐसे दिखाई देता है, और ऐसे कैलकुलेशन से तो सब कुछ दिखाई दे ही रहा है। ठीक, तो याद क्या रखना है रे, जब नेचर सेम रहे तो बीच में रहेगा और छोटे वाले के करीब रहेगा। ऐसा हम लोग रट रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चन प्रॉब्लम, सब प्रॉब्लम देख देख करके रट रहे ताकि अच्छे सवालों को अप्रोच कर पाए। ठीक, अभी ये लाइन मत लिखना हिंदी वाला जो बोल रहे हैं ना, आखिरी में लिखवाएंगे एकदम बढ़िया से। अभी कोई क्वेश्चन उतारना और जल्दी जल्दी करो इसको। तनवीर सब कुछ ठीक है? समझ में आ रहा ना? सेम सवाल, बता कहाँ थर्ड चार्ज रखना चाहिए? उधर, तुम जल्दी उतर। इस लाइन पे रखेंगे ये तो पक्की बात है ना, तभी एक दूसरे के अपोजिट हो सकता है। कहाँ पे रखें? इधर रख के चेक करें, यहाँ यहाँ तीनों जगह चेक करते हैं, इधर रख के चेक कर। तो बाबू यहाँ रख के चेक कर, बीच में, हाँ वही चेक करने जा रहे हैं। जैसे अगर बीच में अपन यहाँ पे रखेंगे, थर्ड वाला पॉजिटिव है ना, थर्ड वाला का नेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा। हाँ मानने के लिए, मान लो पॉजिटिव ही मान लो, सॉल्व करने के लिए चेक कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, सवाल सेम है अभी भी। बता अगर हम बीच में कहीं रखते, क्योंकि अभी तक हमारा आंसर बीच में ही इक्विलिब्रियम पॉइंट आ रहा है, तो दिमाग वहीं जाता है पहले, बीच में रख के चेक कर। यहाँ पॉजिटिव चार्ज अगर बीच में रख देते हैं बेटा, तो ये क्या करेगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और ये भी क्या करेगा? रिपेल कर देगा, करेगा क्या? तो इक्विलिब्रियम में होगा क्या? एक ही डायरेक्शन में दोनों फोर्स आ रहे हैं, तो पक्की बात है सर कि इस बार बीच में ऐसा कोई काम होने वाला नहीं है। साइड में रख के देख, अगर यहाँ पॉजिटिव रखते हैं तो ये नेगेटिव क्या करेगा? और ये वाला हो सकता है क्या? बिल्कुल, इसका मतलब इस बार साइड में पॉसिबल है। देखते हैं कितने पोजिशन पर रखना चाहिए। एक्स मान लेते हैं बेटा क्यू से। चल बता, ये वाला फोर्स जो लग रहा था वो कौन लगा रहा था? ये लगा रहा था ना, बता कितना लगा रहा था? के क्यू वन क्यू टू बाई, वेरी गुड, बराबर ये वाला फोर्स ये लगा रहा था कितना, बोल? के क्यू वन क्यू टू बाई होगा। सॉल्व कर दे इसको, देख क्या दिखाई दे रहा है, एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर बराबर वन बाई एक्स स्क्वायर। रूट ले ले बेटा, थ्री बाई एल प्लस एक्स बराबर वन बाई एक्स, थ्री एक्स बराबर एल प्लस
कितना आ रहा है आंसर? x बराबर हाँ l बाई टू। क्या थर्ड पार्टिकल का पोजिशन पता चल गया? इसमें क्या चीज़ सीखे सर कि इस बार साइड में आ रहा है। क्यों साइड में आ रहा है? देख यहाँ पे एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, साइड में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक, तो अगर दोनों का नेचर सेम होता था तो कहीं ना कहीं बीच में रहता था, लेकिन जैसे ही दोनों का नेचर हम अलग अलग ले लिए इस बार इक्विलिब्रियम पोजिशन साइड में आने लगा। लेकिन अभी भी देख साइड में तो आ रहा है लेकिन छोटे वाले के करीब है कि नहीं? साइड वाला सोच सकते थे सर, इधर भी सोच सकते थे, इधर नहीं हो रहा, इधर आ रहा है छोटे वाले के करीब। आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा? तो हमेशा याद रखेंगे यहाँ थोड़ी, अरे ये एल है तो इधर एल बाई टू पे, एल बाई टू है ना, तो एल बाई टू किधर? इधर रखे हो ना कि बीच में रखे हो? इधर एल बाई टू पे, इन दोनों के बीच में थोड़ी है, समझ में आया ना? ठीक, तो अब एक चीज फाइनल आंसर क्या रटेंगे या फाइनल कॉन्सेप्ट क्या रटेंगे कि अगर दो चार्ज फिक्स जो है सर, अगर दोनों का नेचर सेम है तो इक्विलिब्रियम पॉइंट बीच में आता है, अगर दोनों का नेचर अलग अलग है सर तो इक्विलिब्रियम पॉइंट साइड में आता है, और हमेशा छोटे वाले के करीब रहता है। क्या ये पॉइंट याद रखोगे? इस सवाल पे अच्छे अच्छे सवाल बनाएंगे, ग्राफ का सवाल बनाएंगे, इसलिए इसको एकदम रट खाना है, ठीक है ना? एकदम हिंदी में लिख लो अपने लैंग्वेज में ये सवाल उतारने के बाद। चलो लैंग्वेज में लिख लो हिंदी में, याद है मैं फिर से बोल रहा हूँ, लिखोगे अपने लैंग्वेज में, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर दो फिक्स चार्ज का नेचर सेम होगा तो इक्विलिब्रियम पॉइंट बीच में आता है, अगर अपोजिट होगा तो साइड में आता है, लेकिन हमेशा छोटे वाले के करीब होता है। लिखो अपने लैंग्वेज में। एकदम हाईलाइट करके लिखोगे इसको। इसलिए अब मेरे को बताओ ये कैलकुलेशन बहुत टफ है क्या? अब जब भी तेरे को सवाल दिखेगा ऐसा वाला इक्विलिब्रियम वाला सवाल, तो तुमको इतना चेक नहीं करना पड़ेगा कि कहाँ इक्विलिब्रियम पॉइंट, इधर इधर इधर, तुमको याद है पॉइंट
कि अगर सेम नेचर का देखोगे, बीच में रखोगे, अपोजिट नेचर का देखोगे, साइड में रखोगे, छोटे वाले के करीब रखोगे, कैलकुलेशन कर दोगे, समय बचेगा कि नहीं बचेगा। अगर ये पहली बार सवाल करता तो तुमको चेक करना होता, पूरे दुनिया में सोचता, फिर इधर सोचता, फिर इधर सोचता, फिर बीच में सोचता, है कि नहीं। लेकिन अब तेरे को सवाल देखते पता चल जाएगा कि कहाँ रखना चाहिए। अरे बात समझ में, तो तुम्हारा कैलकुलेशन टाइम बहुत घट जाता है ना। चल मेरे को फटाक से बताना, तो इसी बेकार का टाइम पास कर रहे हैं, बताना मेरे को थोड़ा। बोल किधर रहेगा इक्विलिब्रियम पॉइंट, इधर इधर कि इधर? इन दोनों के बीच में रहेगा, लेकिन किसके करीब रहेगा? इधर करीब। कौन छोटा है इसमें? वाओ, याद करो जब हम हमको मैग्नीट्यूड से मतलब है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड कौन छोटा है? मैग्नीट्यूड से मतलब फोर्स के लिए ही तो हम लोग सॉल्व करते हैं, पुट करके ही ना वैल्यू। सुनो इसमें एक चीज़ तुम लोग को पता नहीं बोले हैं कि नहीं बोले हैं, -81 -16 अगर नंबर वाइज पूछा जाए ना बेटा, तो ये छोटा है -81 और -16 बड़ा है। लेकिन चार्ज के केस में अगर पूछा जाए तो ये माइनस क्या हमें छोटा या बड़ा दिखाता है? क्या ये माइनस हमें दिखाता है कि एक तरह का चार्ज है, अ टाइप ऑफ चार्ज है? ये मेरे को ये नहीं पता था कि छोटा है कि बड़ा है, बस ये अलग तरीके का चार्ज है, प्लस होता तो अलग तरीके का चार्ज होता, ठीक है। मैग्नीट्यूड वाइज क्या बात करना है बेटा, ये छोटा है, ये बड़ा है और ये छोटा है। अरे ये बात समझ में, तो किस मैग्नीट्यूड वाइज यहाँ पे कौन छोटा है? 16 क्यों ना बेटा, तो इसके करीब में रखोगे ना, इस बात का ध्यान में रखना है। अगर हम इसको प्लस कर देते तो इक्विलिब्रियम पॉइंट किधर रहता बता? साइड में रहता, छोटे वाले के करीब। किधर रहता? इधर इधर इधर। कहाँ रहता? नीचे कहीं। कर लोगे? कैलकुलेशन तो बहुत आसान है, दोनों फोर्स को इक्वल करके सॉल्व कर देना है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, इस पर ग्राफ का सवाल हम कराएंगे, पर अभी नहीं कराएंगे, तुम अभी नहीं समझ पाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कराने के बाद कराएंगे। अभी कुछ और अच्छा सवाल करते हैं। देख अभी तक जो भी अपन सवाल किए ना, उसमें मैंने इक्विलिब्रियम की बात करा है। किसकी इक्विलिब्रियम की बात करा है? तीसरे पार्टिकल जो ला रहे हैं हम लोग, तीसरे पार्टिकल की इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं ना। जो दो फिक्स, जो दो पार्टिकल पहले से लेके हम सवाल पूछ रहे हैं वो तो फिक्स कर दे रहे हैं। अब क्या सवाल करेंगे ना कि दो चार्ज जो फिक्स ला रहे थे ना पहले, उसको लाएंगे लेकिन इस बार फिक्स नहीं रखेंगे, उसको भी मूवेबल रखेंगे कि इधर उधर मूव कर सकता है वो, ठीक। ध्यान से सुना क्या कहना चाह रहे हैं हम। जैसे मान लो बेटा कि यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे 4q है, पर इस बार ये फिक्स नहीं है, इस बार ये फिक्स नहीं है, मूव कर सकता है। अब मेरा सवाल है कि बताओ तीसरे चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होगा, नेचर क्या होगा, पोजीशन क्या होगा, कि पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। अंतर समझ में आ रहा है? पहले जितने भी सवाल किए, तीन चार सवाल, उसमें हम लोग तीसरे चार्ज की इक्विलिब्रियम की बात कर रहे थे, लेकिन इस बार केवल तीसरे चार्ज की बात कर रहे हैं क्या, पूरे सिस्टम की बात कर रहे हैं। मतलब ये भी इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए, ये भी रहना चाहिए, और जो तीसरा ला रहे हो वो भी रहना चाहिए। अंतर है कि नहीं है? क्वेश्चन लिखो लैंग्वेज फॉर्म में, फाइंड नीचे गिरा हुआ पेन एक, फाइंड मैग्नीट्यूड कॉमा नेचर एंड पोजिशन ऑफ थर्ड पार्टिकल, या पोजिशन ऑफ थर्ड चार्ज सो दैट सिस्टम रिमेंस इन इक्विलिब्रियम, सिस्टम के नीचे अंडरलाइन कर लेना, सिस्टम रिमेंस इन इक्विलिब्रियम। मेरे को पूरे सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रखना है बेटा। सिस्टम कहने का क्या मतलब है? तीनों का तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए। आइए बात करते हैं, डिस्कस करते हैं अपन। अरे पूरे सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रखना है मतलब तीसरा भी इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए ना, और तीसरा का इक्विलिब्रियम का पूरा इतिहास देख चुके हैं अपन, पूरा PhD किए ना अभी। तीसरा को इक्विलिब्रियम में रहने के लिए कहाँ रहना चाहिए? पोजीशन दोनों का नेचर सेम रखे हैं तो बीच में रखना चाहिए, पर किसके करीब? छोटे वाले के करीब ना, मतलब बेटा कहीं यहाँ ना, यहाँ पर रखेंगे तीसरे वाले को, सिंपल सी बात है। और तीसरे वाले की इक्विलिब्रियम के लिए ये पता था सर कि इसका मैग्नीट्यूड कुछ भी रख सकते थे, नेचर कुछ भी रख सकते थे, ठीक। बस अभी क्या पता चला बेटा? पोजीशन। क्या पता चला आपने को? और यहाँ पे अगर मैं इसको एक्स मान लेता हूँ, तो देखिए ये वाला सवाल अभी सॉल्व कर रहे थे हम लोग, एक्स का वैल्यू आ गया था L/3, पहला वाला सवाल देख शायद यही आया था ना। चल
पोजिशन तो मेरे को पता चल गया यार तीसरे चार्ज का, कैलकुलेशन पहले कर रखे हैं अपन, तीसरा इक्विलिब्रियम में है, नो डाउट, कोई तकलीफ नहीं है सर, बढ़िया है सब कुछ। अब बात करना है कि सर तीसरा वाला का मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए और नेचर क्या होना चाहिए, जरा बात करते हैं बेटा नेचर की, किसकी बात करते हैं, पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव। बेटा देखना ध्यान से, अगर ये पॉजिटिव रहता चाहे नेगेटिव रहता तो ये तो इक्विलिब्रियम में ही रहता ना, इसका तो कोई तकलीफ नहीं था, ठीक। बात करते हैं अगर ये नेगेटिव हो जाए, क्या हो जाए बाबू, अच्छा छोड़, पॉजिटिव था ये इक्विलिब्रियम में था, चेक करते ये दोनों इक्विलिब्रियम में होगा कि नहीं होगा, अगर ये पॉजिटिव मान के चले हो तो ये तो इक्विलिब्रियम में रहेगा ना, इसका बात करते हैं ये इक्विलिब्रियम में है कि नहीं, क्योंकि पूरे सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रखना है। बता तो जरा इस कैपिटल क्यू पे ये स्मॉल क्यू क्या करेगा, और ये वाला इक्विलिब्रियम में रहा क्या, ऐसे इसको चेक कर, ये प्लस क्यू इधर धक्का दिया और ये कैपिटल क्यू भी इधर ही धक्का दिया, तो ये भी इक्विलिब्रियम में नहीं रहा। तो भाई अगर तीसरा चार्ज को पॉजिटिव रखते हैं ना तो केवल वो इक्विलिब्रियम में रह सकता है, लेकिन बाकी दो चार्ज इक्विलिब्रियम में नहीं दिखाई दे रहे हैं, मतलब पक्की बात है सर कि अगर पूरे सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रखना है तो तीसरे चार्ज को पॉजिटिव नहीं रखना चाहिए, क्योंकि रखोगे तो देखो ये दोनों इक्विलिब्रियम में नहीं रह रहा है, बात समझ में आ रही है। तो और क्या ऑप्शन बचा है, नेगेटिव में चेक करते हैं इसको, कैसे चेक करेंगे, नेगेटिव में। तो अगर बेटा मैं इसको नेगेटिव मान लेता तो बता ये तो इक्विलिब्रियम में रहेगा, कोई डाउट नहीं है, इसका चेक कर तो जरा यहाँ पे, अब देखिए ये वाला माइनस क्यू इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट न्यू, और ये प्लस क्यू, क्या बात है, अपोजिट डायरेक्शन में दोनों फोर्स दिखाई दे रहा है, इट मे बी इन इक्विलिब्रियम, रह सकता है कि नहीं रह सकता है, ये पहले से इक्विलिब्रियम में था बेटा, इसका चेक कर ले, ये नेगेटिव अपनी तरफ इधर खींचेगा और ये पॉजिटिव इधर धक्का देगा, ये भी इक्विलिब्रियम में रह सकता है ना, इसका मतलब पूरा तीनों का तीनों चार्ज पार्टिकल तभी इक्विलिब्रियम में रहेगा सर जब तीसरा वाला चार्ज पार्टिकल जो ला रहे हो ना उसको कैसा रखना चाहिए, नेगेटिव रखना चाहिए, साफ साफ पता चल रहा है अपने को। तो यहाँ से नेचर का भी ज्ञान पता चल गया इस बार कि तीसरा चार्ज कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, पोजीशन अपन पहले ही कैलकुलेट करके रख चुके हैं, बचा क्या उसका मैग्नीट्यूड, क्या बचा सर अगर सिस्टम को नेगेटिव में तो, नहीं नहीं वो तो क्वेश्चन में फिक्स करके मैं दे चुका हूँ कि ये दोनों पॉजिटिव है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, आपको तीसरे को चेंज करना है कि वो पॉजिटिव रखे कि नेगेटिव रखे, समझ में आ रहा है। अब सवाल हम देंगे इसको भी नेगेटिव पॉजिटिव रख के, वो बात की बात है, पर ये फिक्स मैंने कर दिया, इसका नेचर फिक्स है, मैग्नीट्यूड फिक्स है, आपको किस पे कॉन्सेंट्रेट करना है, तीसरे वाले पे, आगे बात समझ में क्लियर है यार, पोजीशन का पता चल चुका था पहले ही, नेचर का भी पता चल चुका कि तीसरा चार्ज कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। अब बात करते हैं कि तीसरा का सर मैग्नीट्यूड कैसा होना चाहिए, कैसे पता चलेगा सर। तो देख बेटा जब आप इसके इक्विलिब्रियम की बात करे थे तो पोजीशन आ गया था ना अपने को, चल किसी एक के इक्विलिब्रियम की बात कर लेना और इसका इक्विलिब्रियम का बात कर लेते हैं, बात पता चल जाएगी। देख बता इस पॉजिटिव चार्ज पे इधर कौन धक्का दिया था यार, 4q धक्का दिया था ना, कितना से बोलना बेटा, के बोल क्यू 4q बाई, दोनों के बीच का दूरी कितना है, इन दोनों के बीच में एल ही है ना, एल है ये वाला, ये दोनों के बीच में और ये वाला एक्स है ना, तो इन दोनों के बीच का फोर्स का बात कर रहा है ना तुम, तो एल स्क्वायर होगा ना, बराबर ये खींच रहा था नेगेटिव वाला इधर, बता कितना फोर्स होगा, के बाय एक्स स्क्वायर, ऐसा ना एक्स स्क्वायर ना, और एक्स का वैल्यू तेरे को पता है ना, तो एक्स के यहाँ पे मैं लिख दूँ क्या डायरेक्ट, ऐसा बेटा मेरा 3x सर, ऐसा अब काट छाड़ दे सर, बोल के गया क्यों गया, रुक जा, हाँ एल स्क्वायर भी जाएगा, यहाँ थोड़ा लिख देते अच्छे से, 4Q/L² बराबर स्मॉल क्यू बाई, यहाँ पे एल स्क्वायर बाई 9 हो जाएगा क्या, और 9 ऊपर चला जाएगा क्या बेटा, यहाँ पे एल स्क्वायर भी गया, तो यहाँ पे हम लोग को देखो स्मॉल क्यू आता हुआ दिखाई दे रहा है, 4Q/9 आ गया। तो थर्ड चार्ज का मैग्नीट्यूड भी पता चल गया क्या, तो इस बार तीनों का आंसर पता चला, मैग्नीट्यूड इतना होना चाहिए, नेचर नेगेटिव होना चाहिए और पोजीशन L/3 होना चाहिए इन बिटवीन द चार्जेज छोटे वाले के करीब, क्या बात समझ में आ रही है, आंसर आ गया। तो फाइनल आंसर अगर मैं इसमें लिखता बेटा तो ऐसे लिखता, मैग्नीट्यूड 4Q/9, नेचर नेगेटिव और ये वाला तो है पोजीशन, समझ में आया, कोई तकलीफ तो नहीं है, यहाँ पे उतार लो। बोलो कि सर यहाँ पे क्यों नहीं चेक किया, यहाँ भी चेक करो ना, यहाँ भी जब अगर तुम इन दोनों को फोर्स क्यों चेक करोगे ना आंसर सेम आएगा, मैंने बोला जैसे हम यहाँ पे चेक किया ना बेटा,
कैपिटल स्मॉल क्यू का वैल्यू लाने के लिए इन दोनों का इक्विलिब्रियम को इस्टेब्लिश करें, यहाँ पे भी चेक कर सकते थे, इस पे भी नेट फोर्स जीरो करते ना, इस पार्टिकल पे इक्विलिब्रियम मतलब इसको कौन खींच रहा था, ये खींचता और ये धक्का देता तो करता तो तभी सेम ही आंसर आता, किसी एक पे चेक कर लेना चाहिए। देखना मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे ऐसे मैंने लैंग्वेज के फॉर्म में सवाल बोला कि पोजीशन बताओ, नेचर बताओ, पोजीशन बताओ कि पूरा इक्विलिब्रियम में रहे, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे, अगर ऐसे ऑब्जेक्टिव सवाल पूछा रहता ना तो ऐसे बोलता फाइंड द थर्ड चार्ज सो दैट सिस्टम रेमेंस इन इक्विलिब्रियम, फाइंड द थर्ड चार्ज सो दैट सिस्टम रेमेंस इन इक्विलिब्रियम, तो तू सारा कैलकुलेशन ऐसे करता, कौन सा ऑप्शन लगाता, ए लगाता कि बी लगाता, कौन सा कौन सा, तुम बी लगाते हैं क्योंकि मैंने केवल थर्ड चार्ज बोला, मतलब थर्ड चार्ज बोला मतलब तेरे को मैग्नीट्यूड और नेचर मिला करके बताना है, तो नेचर 4/Q9 है ना बेटा, पर नेचर उसका कैसा है, नेगेटिव है ना, मैग्नीट्यूड 4Q/9 आया ना, पर नेचर कैसा है उसका, तो फाइनल आंसर तुमको -4Q/9 देना चाहिए, समझ में आ रहा है, दोनों मिला जुला रहना चाहिए, समझ में आ रहा है छोटे, फाइनल थर्ड चार्ज क्या होना चाहिए, तो नेगेटिव में होना चाहिए लेकिन मैग्नीट्यूड 4Q/9, तो ऐसे दिखाओगे, तो इस बात का ध्यान में रखोगे कि बच्चे क्या करते हैं, सब कैलकुलेशन जानते हैं, पर जैसे 4/Q9 सॉल्व हुआ है पहला ऑप्शन में यही दिया रहेगा, समझ में आ रहा है, तो एग्जामिनर बहुत खेलता है यार, तो हम लोग को भी थोड़ा बहुत खेलने आना चाहिए, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, ध्यान में रखोगे इसको, नीचे लिख लो ऐसे फाइनल आंसर ऐसे गोला गोला करके कि माइनस में देना चाहिए, ऐसे लिख लो थर्ड चार्ज इज -4Q/9, नीचे भी लिखना, सोचो आंसर तो 4Q/9 आया था, फिर आंसर ऐसा कैसे, थर्ड चार्ज इज -4Q/9 पूरा गोला करना, नीचे भी लिखना, सोचो, फिर कॉल करके 2 महीना बाद पूछना कि सर आंसर हमारा 4Q/9 आया था, आंसर गलत लिखे ना हम लोग, एक और बहुत बढ़िया सवाल है, एक और बहुत यूनिक सवाल है, देखना यार बहुत बढ़िया सवाल, मज़ेदार एकदम,
देख एक स्क्वायर के वर्टिसेस पे ऐसे चार्ज कुछ रखा हुआ है और स्क्वायर का एज लेंथ एल दिया हुआ है, यहाँ पे कैपिटल क्यू क्यू, यहाँ पे स्मॉल क्यू क्यू। सवाल ये है बेटा फाइंड, देखो यहाँ पे फाइंड स्मॉल क्यू बाई कैपिटल क्यू सो दैट क्यू रिमेंस इन इक्विलिब्रियम। समझ में आ रहा सवाल? कैपिटल स्मॉल क्यू बाई कैपिटल क्यू का रेशियो बताइए ताकि हमारा क्या रहे, स्मॉल क्यू जो है वो कैसा रहे बेटा, इक्विलिब्रियम में रहे। दिस इज योर कंप्लीट क्वेश्चन। अब अपने को डिस्कस करना है, दिमाग लगाना है, और मिलकर लगाते हैं। देखिए ये बात पक्की है सर कि ये दोनों चार्ज जो है ना सेम है और ये दोनों चार्ज सेम है, पर ये नहीं पता सर कि मैग्नीट्यूड क्या है, नेचर क्या है, ये सब कुछ भी अभी पता नहीं है। ऐसा सवाल दिया हुआ है बस, क्या किया जाए क्या किया जाए, चेक करते हैं। अपने को नेचर मानना पड़ेगा ना कुछ तभी तो हम लोग फोर्स दिखा पाएंगे कि अट्रैक्ट कर रहा है कि रिपेल कर रहा है। तो मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ बेटा कैपिटल क्यू क्या है, पॉजिटिव है, और स्मॉल क्यू भी क्या है, पॉजिटिव। ऐसा मान के चल रहे हैं, क्या मान के चल रहे हैं यार, कैपिटल क्यू भी पॉजिटिव है और स्मॉल क्यू भी। चल तो तीसरे चार्ज को इक्विलिब्रियम में रखना है ना बेटा, किसको रखना है इक्विलिब्रियम में, तो तुम इसको देख सकते हो या इसको देख सकते हो। चलो यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे चेक करा, बताइए कैपिटल क्यू इस पॉजिटिव क्यू के साथ क्या करता, रिपेल करता है यूं, ऐसा क्या बेटा, ये क्या करता, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहता ना, देख ये भी क्यू है ये भी क्यू है सेम दूरी पे है, तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहता तो लगभग एरो सेम ही बनना चाहिए ऐसा। अरे बात समझ में, ये क्यू क्या था, पॉजिटिव ही था ना, तो ये क्या करता इधर, ये भी रिपेल ही करता क्या, इसको कभी पॉसिबल इक्विलिब्रियम में रह पाना, देख नेट फॉर जीरो कभी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि देखो इसका और इसका कंपोनेंट नेट क्या इधर आ जाता क्या, और इसका भी इधर, ये तो दोनों जुड़ जाता है एक ही डायरेक्शन में हो गया ना, तो इक्विलिब्रियम होना पॉसिबल नहीं है। तो जो हम लोग नेचर मान के चले थे वो गड़बड़ है, नेचर चेंज करना चाहिए। अब क्या करते हैं, मान लेते हैं कैपिटल क्यू पॉजिटिव है और स्मॉल क्यू को क्या मान लेते हैं, नेगेटिव। स्मॉल क्यू को क्या मान लेते हैं बेटा, नेगेटिव। तब चेक करते हैं क्यू बाई क्यू का रेशियो लाना है, कौन क्यू वाला क्यू, सेम एक, अरे ये दोनों का क्यू मैग्नीट्यूड सेम है, इसका मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई इसका मैग्नीट्यूड, दोनों का सेम है किसी एक का, तो आप इस पर भी इक्विलिब्रियम चेक कर ले या उस पर भी कर ले, एक ही बात है। ठीक, आंसर तुमको क्यू बाई क्यू जैसा कुछ दिखना चाहिए, फाइनल सिंपल सी बात ये है। पर इक्विलिब्रियम किसको चेक करना है, स्मॉल क्यू वाले को। ठीक, चल यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉसिबल था नहीं था, कब पॉसिबल नहीं था, जब कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू दोनों को क्या मान के चले थे। अब देख एक बात ध्यान से रखना, कैपिटल क्यू को पॉजिटिव मानने का मतलब कि दोनों को पॉजिटिव मानना पड़ेगा, क्योंकि दोनों सेम है और ये दोनों सेम है। अगर मैं कैपिटल क्यू पॉजिटिव कह रहा हूं मतलब इसको भी पॉजिटिव रखना पड़ेगा, इसको भी पॉजिटिव रखना पड़ेगा, और अगर स्मॉल क्यू पॉजिटिव बोल रहा हूं तो इसको भी पॉजिटिव और इसको भी पॉजिटिव रखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो इस सिचुएशन में तो बात गड़बड़ हो गई सर, कि अगर कैपिटल मतलब क्यू को भी पॉजिटिव मान लिए, कैपिटल को भी और स्मॉल को भी मान लिए पॉजिटिव, तो ये गड़बड़ हो गया, पॉसिबल नहीं हो पाया। तो अब हम लोग अलग कुछ चेक करते हैं, मान लेते हैं कैपिटल क्यू पॉजिटिव है और स्मॉल क्यू को क्या मान लेते हैं बेटा, नेगेटिव। तब चेक करते हैं भाई, देख आ जाओ बोल, अब बताना बेटा, अब ये कैपिटल क्यू इस क्यू के साथ क्या करता, खींचता अपनी तरफ, अपोजिट नेचर हो गया ऐसा, और नीचे वाला भी इसको ऐसा खींचता क्या, और ये क्या कर रहा होता, रिपेल करता, क्योंकि दोनों नेगेटिव नेगेटिव हो गया तो रिपेल करता, तो ऐसा हो जाता क्या। देख अब ध्यान से देखना, ये जो फोर्स लगाया था, ये लगाया था मेरे मैग्नीट्यूड बोलते बेटा के स्मॉल क्यू, इसको बोल सेम ना, वही ना, ऐसा क्या बेटा, इन दोनों के बीच में फोर्स बताना, के क्यू स्क्वायर बाई इसका होल स्क्वायर ना बेटा, ये एल है ये एल है, तो ये कितना होता, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, मतलब अंडर रूट टू एल स्क्वायर, उसका स्क्वायर लेना था ना, मतलब टू एल स्क्वायर, ऐसा क्या तनवीर, कोई नहीं समझा ना, ये एल है ये एल है, तो ये कितना होता, पाइथागोरस थ्योरम से अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर होता ना, तो कितना हो जाता, टू एल स्क्वायर, इसी लेंथ का होल स्क्वायर लेना है ना, तो स्क्वायर ले लेंगे तो रूट कट जाएगा। ठीक, अब देख बेटा ध्यान से, अब इस सवाल को वही बहुत जल्दी कर पाएगा जो वेक्टर का ट्रिक जानता हो थोड़ा बहुत, इसलिए मैं बार बार बोल रहा था कि ट्रिक याद कर ट्रिक याद कर। देख ये दो फोर्स दिखाई दे रहा है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, जब भी दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होता है तो उन दोनों का रिजल्टेंट बिल्कुल उनके बीच जाता है,
पता है, बिल्कुल बीचों बीच। तो बीचों बीच मतलब बेटा ऐसा क्या, यू ना, मैग्नीट्यूड कितना होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट कितना होगा, थोड़ा सा मैं एहसास करा दे रहा हूँ अगर नहीं भी याद हो तो। वैसे बोल तो भाई मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला, जब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम रहता है तो क्या लिखते हैं रिजल्टेंट, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब जो नहीं 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 बेटा बोल, टू एफ कॉस थीटा बाई टू। सर वो तो तब होता है जब मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेकिन 90 डिग्री पे सर 45 मान लेंगे क्या? तो डायरेक्टली कर सकते हैं, लेकिन एक फॉर्मूला याद कराया था, याद कर, जब दो वेक्टर एफ एफ रहेगा एंगल बीच में थीटा, तो डायरेक्ट आ जाता टू एफ कॉस थीटा बाई टू आता था, याद रखना चाहिए, सब काम आएगा आगे। किसका गलत आंसर आया था नहीं तो हम ये मान लिए होंगे 90 डिग्री पे नॉर्मल तरीके से सॉल्व कर दिए होंगे, क्योंकि तेरे को ट्रिक नहीं पता होगा, देख लें बाद में देख लें। अच्छा देख, नॉर्मल तरीके से कर, आप लोग को नहीं पता हो वेक्टर पढ़ लीजिए जा करके, तुम लोग को भी मान के चलते हैं कि नहीं पता है तो नॉर्मल तरीके से सिखा दे रहे हैं, ठीक। रुको ना, वो ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा तेरे लिए, अभी जस्ट इग्नोर इट। ये इसको थोड़ी देर के लिए एफ मान ले क्या, इसको भी एफ मान लेते हैं, दोनों 90 डिग्री पे है ना बेटा, सीधा सीधा लगाओ, एफ नट क्या लगाओगे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, ऐसा क्या, तो बताना इन दोनों के लिए क्या लिखोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस 90 डिग्री, क्योंकि इन दोनों वेक्टर के बीच में कितना है 90 डिग्री है, तो ये कॉस 90 वाला पूरा कौन सा खत्म हो गया, क्या जीरो होता है, तो अंदर में क्या बच गया टू एफ स्क्वायर, तो ये कितना हो गया रूट टू, ठीक, मतलब रूट टू इंटू ये वाला वैल्यू होगा कि नहीं, यहाँ पे लिख रहे हैं हम रूट टू के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन एल स्क्वायर, क्या एक वेक्टर इन दोनों का नेट इधर आ गया बेटा, तो एक फोर्स इधर इक्विलिब्रियम में हो सकता है ना, कब, जब इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो जाए, जब इन दोनों का मैग्नीट्यूड कर दे सेम भाई, रूट टू के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई एल स्क्वायर बराबर के क्यू स्क्वायर अपॉन, देख काट दे बेटा, क्यू गया के गया रूट टू क्यू अब इक्वल्स टू स्मॉल क्यू बाई टू, हम लोग को क्या निकालना था रे, क्यू बाई कैपिटल क्यू का वैल्यू ना कितना दिखाई दे रहा है, वन बाई टू रूट टू आ गया, कैपिटल क्यू बाई स्मॉल क्यू पूछता तो टू रूट टू है ना, समझ में आ रहा है। अब फाइनल आंसर ऑप्शन में तुम कौन लगाता, देखना अगर ऑप्शनल सवाल रहता तो आंसर वन बाई टू रूट टू लिखता कि माइनस वन बाई टू रूट टू लिखता, क्यों, क्योंकि दोनों का नेचर अपोजिट लेके चले, तो अगर मैग्नीट्यूड नेचर सब मिला करके अगर बैठाते तो माइनस में आंसर आता ना, तो फाइनल आंसर आपको ये, समझ में आ रहा है, ये जो है केवल मैग्नीट्यूड वाइज आया है, फाइनल आंसर ये होगा, क्या बात समझ में आ रही है। अब थोड़ा सा तुमको आराम बोल दे रहा, मेरे को लग रहा है कि तू डाउट में हो सकता है, ये वाला फॉर्मूला बेटा, जब ऐसे दो वेक्टर रहे ना एफ है दोनों के बीच में अगर थीटा है, तो इसका एफ नेट का फॉर्मूला होता है बाबू टू एफ कॉस थीटा बाई टू। अब देख इसमें भी बैठाएगा तो वही आ जाएगा, टू एफ कॉस 90 बाई टू 45 डिग्री हो जाता, कॉस 45 में कितना होता है 1 बाई रूट टू, तो 1 बाई रूट टू रूट टू रूट टू कट के रूट टू एफ हो जाता, वही आ जा रहा है ना, हो जाएगा ऐसा सवाल। ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है यार, बहुत बढ़िया सवाल है, उतार लो इसको। एंड दिस इज ऑल अबाउट प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू इक्विलिब्रियम, एक बार अच्छे से पढ़ो, जिसको वेक्टर में दिक्कत हो, मैं बार बार बोलता हूँ अपने लेक्चर में, वेक्टर में दिक्कत हो प्लीज़ जाइए वेक्टर पूरा पढ़िए, 11 लेक्चर है, मुश्किल से 7 से 8 घंटा है, वो कंप्लीट कर लो, उसके बाद सब बहुत मज़ा आएगा। नहीं भी समझ में आ रहा होगा तो बेसिक्स हम साइड में बताते ही चलते हैं, लेकिन पढ़ लोगे तो ज़्यादा फील आएगा तुमको। चलो ठीक है, फोन ऑफ कर।